सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। हालेलुया। वचन संगीत सुनने वाले मेरे सभी प्यारे भाई बहनों का और बच्चों का स्वागत, फिर से एक बार आपका स्वागत। और यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह की शांति और यीशु मसीह का आनंद आप सभी को। आइए हम प्रार्थना करें, जैसे ही हम उसका वचन सुनने वाले, वो वचन हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे और हमें उस ज्योति की तरफ, उस प्रकाश की तरफ लेके जाए जो अंधकार को मिटाने आई थी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन संगीत कार्यक्रम के लिए जो आप हर दिन, हर हफ्ते आपका वचन लेकर हमारे जीवन में फल उत्पन्न करते हैं। आज जैसे ही हम आपका वचन पढ़ेंगे, उस आपके वचन द्वारा, उस यीशु के द्वारा आपका प्रकाश हमारे जीवन में आए और हमें उस ज्योति की तरह बनाए जो अंधकार को मिटाती है। ये सारी प्रार्थनाएँ आपके इकलौते पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से और माता मरियम की मध्यस्थी से करते हैं, आमेन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमने वचन लिया है उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 1-5 और यूहन का सुसमाचार अध्याय 1:1-4 और 14 वचन संख्या 14। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1:1-5। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश को नाम दिया दिन, दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, वह पहला दिन था। यूहन का सुसमाचार अध्याय 1। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं या बाइबल हमें बताता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि बाइबल की शुरुआत ही प्रारंभ और ईश्वर से हुई है। प्रारंभ में ईश्वर, यह हमें बाइबल बताता है। इसका मतलब है कि ईश्वर प्रारंभ से, शुरुआत से उपस्थित था और वहां पे अंधकार था और उस अंधकार के ऊपर ईश्वर की आत्मा मंडरा रही थी। और फिर ईश्वर पहला काम करता है, बल्कि वो यह कहता है कि वहां पे प्रकाश हो जाए, और प्रकाश होता है। और जब ईश्वर उस प्रकाश को देखता है, उसे वो अच्छा लगता है और उसके बाद ईश्वर प्रकाश और अंधकार को अलग कर देता है। और वही शब्द के बारे में हम देखते कि ईश्वर ने पहले शब्द कहा और उसी शब्द के बारे में हमें यूहन बताता है कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, जो उसने अपने मुंह से कहा, जिस शब्द के द्वारा इस पूरे सृष्टि की रचना की, वही शब्द उस ईश्वर के साथ था और उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ
और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। 14वां वचन हमें बताता है कि शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वही यीशु ने उस शब्द के द्वारा एक शरीर धारण किया और हमारे बीच में हमारे जैसा जीवन जिया। जो प्रकाश की बात कर रहे हैं, हमें बाइबल के अनुसार प्रकाश हमें दर्शाता है कि प्रकाश एक जीवन है, एक अच्छाई है, एक गुण है। और वहीं पे अंधकार का मतलब है मृत्यु, अपवित्रता और अवगुण का प्रतीक होता है। और विश्व में, हर पूरे विश्व में प्रकाश को अच्छा माना गया है। और हम सभी लोग वही प्रकाश की प्रार्थना करते कि हमारे जीवन में अच्छाई आ जाए, पवित्रता आ जाए, अच्छे गुण आ जाए। और यही प्रार्थना पिता परमेश्वर यीशु क्रिस्त में पूरी करते हैं। हम देखते हैं योहान के सुसमाचार से 9वां अध्याय 1 वचन। यहां पे यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को, इसमें हमें समझने की जरूरत है कि यह अंधा व्यक्ति जन्म से अंधा था। हम और एक अंधे व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो अंधा भिखारी था। जब वो देखता है अपने अंदरूनी प्रकाश से, अंदरूनी दृष्टि से देखता है कि यीशु वहां से जा रहे थे, वो चिल्ला उठा, हे दाविद के पुत्र, मुझ पर दया करो। वो अंधा भिखारी यीशु के पास जाना चाहता था। यीशु रुकते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। जब यीशु ने ऐसे पूछा तो यीशु उसके लिए एक नौकर की तरह हो गए। उन्होंने एक नौकर की तरह उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। और उस अंधे भिखारी ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। और यीशु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें अच्छा कर दिया है। और वो आदमी देखने लगा, वो अंधा भिखारी देखने लगा। पर ये अंधा व्यक्ति ये जन्म से अंधा था। हम पढ़ते हैं 9वां अध्याय 1 वचन, रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। ये अंधा व्यक्ति यीशु के पास नहीं गया, बल्कि यीशु इसके पास आए। क्योंकि यीशु ने हर बार कहा है कि मैं इस संसार की ज्योति हूं, जो भी मुझे मेरे पीछे आता है वो अंधकार में नहीं चलता। वही संसार की ज्योति उस अंधे व्यक्ति के पास जो जन्म से अंधा था उसके पास चली आई। पर शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर ये किसके पापों से अंधा है, उनके माँ बाप के पापों से या इसके पापों से? और यीशु ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया वचन 3 में, न तो इस मनुष्य के पाप और न इसके माँ बाप के पाप, परंतु यह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। यीशु ने कहा कि मैं जब तक संसार में हूं तब तक संसार की ज्योति हूं। जिसको भी उसने चुना है वो कभी भी अंधकार में नहीं चल सकता। जब तक मैं इस संसार में हूं तब तक मैं इस संसार की ज्योति हूं। और हम आगे देखते हैं कि यीशु ने, 6वां वचन हमें कहता है कि उसने भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोम के कुंड में नहा लो। सिलोम का अर्थ है प्रेषित। और जैसे ही उसने उससे कहा वो वैसे ही उसने किया और उसकी रोशनी वापस आ गई, वो देखने लगा। वह मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। हम देखते कि जहां जो लोग यहूदी लोग थे वो उसको पूछने लगे, क्या तुम वही इंसान हो, तुम वही व्यक्ति हो, जन्म से अंधे हो और अभी तुम कैसे देखने लगे, तुम्हें किसने अच्छा किया? वो यहूदी लोग देखकर भी अंधा बन रहे थे, वो विश्वास नहीं रख रहे थे, बल्कि उनको विश्वास रखना ही नहीं था। और ये व्यक्ति जो जन्म से अंधा था वो रोशनी को देखने लगा था, और यहूदी लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। योहान हमें बताता है 3 अध्याय में 20वां वचन, वो यहूदी लोग इसलिए नहीं मान रहे थे या उस ज्योति की तरफ नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता
कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए। वो यहूदी लोग इसी की वजह से उसके ऊपर विश्वास नहीं करवा रहे थे। ये सभी वचन हमें बताता है योहान का सुसमाचार 3:16 की ईश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने शब्द के द्वारा उस यीशु को हमारे जीवन में एक ज्योति के रूप में हमारे पास भेजा। जो ज्योति हमारे हमें अंधकार से बाहर निकालकर उसके पास लेके आए। वो ज्योति हमें अंधकार से छुड़ाना चाहती है, हमें प्रकाश की तरफ लेके जाना चाहती है, हमें अच्छाई की तरफ लेके जाना चाहती है, हमें उसके राज्य की तरफ लेके जाना चाहती है। पर क्या हम उस ज्योति को पहचानते हैं? क्या जीवन की कठिनाइयां, जीवन की परेशानियां हमें उस अंधकार में रखती है? जिस तरह यीशु उस अंधे व्यक्ति के पास चले गए, उसी तरह वो ज्योति, वो यीशु ज्योति के रूप में हमारे जीवन में आना चाहती है। उसमें भी यीशु की योजना है। यीशु चाहता है कि हम भी उस संसार की ज्योति बने। जैसे योहान के सुसमाचार में 5:16 कहता है, यीशु संसार की ज्योति है, लोगों के जीवन का अंधकार मिटाना चाहता है। वो हमें संसार की ज्योति बनाता है, वो बनाना चाहता है कि उसका जो कार्य है हम उसका कार्य आगे बढ़ाते रहे। और जो लोग अंधकार में जी रहे हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, उनके जीवन में हम उसकी ज्योति लेकर उनके जीवन को उस अंधकार से अलग कर दे, जो पहले से था, जो है और जो आने वाला है। वही आदि और वही अंत है, वही अल्फा और वही ओमेगा है। आइए उस ज्योति को पहचाने, उस ज्योति को देखे जो अंधकार को मिटाना चाहती है, जो हमारे जीवन में उजाला लेके आना चाहती है, हमें पापों से अलग करना चाहती है। वो अपने लहू के द्वारा हमें उस गुलामी से, पाप की गुलामी से छुड़ाना चाहती है। आइए हम इस गीत के जरिए उस ज्योति को अपनाएं, उस पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि यीशु हमें आपकी ज्योति की तरफ बढ़ाइए, लेके जाइए। आइए हम प्रार्थना करें इस गीत के द्वारा। तेरे नाम है मुझको,
यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू ही, मेरा किनारा तू। जीवन की ज्योति तू ही, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू ही, मेरा किनारा तू। तेरे नाम का सजदा मैं हर पल करता, तेरे नाम को ऊंचा मैं हर दम रखता। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम। जैसे हमने देखा कि किस तरह बाइबल के शुरुआत में ईश्वर और उसकी आत्मा, पावन पिता की आत्मा उसके साथ थी, उस अंधकार पे मंडरा रही थी और उसने उस आत्मा से उस प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। आइए हम उस आत्मा से, वो पिता की आत्मा से जो नीचे आकर जब उसने इंसान को बनाया, उसने अपनी फूक के द्वारा अपनी आत्मा, ईश्वर की आत्मा उसने उस इंसान को दी। वही हमें मुक्ति दे सकती है, वही हमें शक्ति दे सकती है। उस फूक के द्वारा उसने इंसान में अपनी जान डाल दी, उसने उसको शक्ति दी, उसे उसकी सृष्टि पे राज करने के लिए प्रेम से। और जब यीशु ने अपने शिष्यों को चुना, उसने उनके ऊपर फूंक कर उसने अपनी आत्मा दे दी। यीशु ने भी वही किया जो पिता परमेश्वर ने किया। आइए उस पिता की आत्मा को, यीशु की आत्मा को हमारे जीवन में आने के लिए उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वही आत्मा हमें कृपा देगी उस ज्योति की तरफ बढ़ने के लिए। वही आत्मा हमें शिफा देगी, हमें नया बनाएगी, क्योंकि उसी आत्मा ने इस पूरे संसार को बदल दिया। बहुत सारे चिन्ह चमत्कार उस आत्मा के द्वारा हुए, क्योंकि यीशु जब स्वर्ग में जा रहे थे, उसने अपने शिष्यों को कहा कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा, पिता की आत्मा तुम्हें दूंगा, जो तुम्हें मदद करेगी, जो तुम्हें मार्ग दिखाएंगी। आइए इस आत्मा से प्रार्थना करें कि वो पिता की आत्मा, यीशु की आत्मा हम में उतर आए, जो हमें शांति देगी, जो हमें उस ज्योति के रूप में उस यीशु के पास लेके जाएगी। वो जीवित प्रभु की आत्मा हमें अंधकार से छुड़ाएंगी और हमें उन लोगों के पास लेके जाएगी जो अंधकार में जी रहे हैं। आइए उस आत्मा से प्रार्थना करें, उस पावन आत्मा से, वो पिता की आत्मा से, वो यीशु की आत्मा से, उस ईश्वर की आत्मा से, जो हमें उसके कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं, उस माता मरियम की मध्यस्थी से भी मध्यस्थी मांगते हैं, सभी संत लोगों से मध्यस्थी करते हैं, उन देवदूतों से मध्यस्थी करते हैं।
कि प्रभु की आत्मा हमारे ऊपर आ जाए और उसके कार्य को, उसके राज्य को हम उन लोगों की तरफ लेके जाए जो पाप में, जो अंधकार में डूबे हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपके वचनों द्वारा आपने आपका प्रकाश, आपकी ज्योति हमारे जीवन में भेजी, जो हमारे पास चल के आए हमारे, हमें उस अंधकार से निकालने के लिए। आज उसी ज्योति को हम मांगते हैं, जो भी अंधकार हमारे जीवन में है उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए। और उस ज्योति के साथ आपकी पवित्र आत्मा को भी हम मांगते हैं, जो हमें मदद करेगा और आपके पास, आपके पुत्र के पास और पवित्र आत्मा के पास लेके आएगा। आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उस ज्योति की तरह आए और हमें शक्ति दे, कृपा दे, जिससे हम आपको पहचान सके और आपके राज्य को आगे बढ़ाए। ये प्रार्थना हम आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु के नाम से, हमारी माता मरियम की मध्यस्थी से और सभी संतगण और सभी देवदूतों के मध्यस्थी से करते हैं। और हम सब कहते हैं, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। ईश्वर की आत्मा, ईश्वर की ज्योति आपको भी मिले। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ है तूने किया, उसके बदले में क्या कहूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद।